उत्तर प्रदेश में मौसम की मार झेल रहे किसानों की अब रही सही उम्मीदों पर ओले पड़ गए हैं। प्रदेश में बृहस्पतिवार देर रात और शुक्रवार सुबह आंधी बारिश और ओलावृष्टि ने फिर तबाही मचाई। बिजली, पेड़ और दीवार गिरने से जहां 33 लोगों की मौत हो गई, वहीं अकेले अवध में 13 लोगों की मौत हुई है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से एक हफ्ते में ही दूसरी बार प्रकृति की मार के कारण हजारों हेक्टेयर की खड़ी फसलें तहस नहस हो गई है। गेहूं, चना, आलू, मटर और मसूर की 60% फसलें खेतों में ही बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश के देवबंद में सीए के विरोध में चल रही महिलाओं के धरने प्रदर्शन में शामिल एक महिला की बच्ची की मौत हो गई। नगर के मोहल्ला बड़जियाउल हक निवासी महिला पिछले एक पखवाड़े से ईदगाह मैदान में चल रहे धरना प्रदर्शन में शामिल थी, साथ ही वो अपनी 43 दिन की बच्ची को भी लेकर आई थी। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को चकबंदी में भ्रष्टाचार के विरोध में कलेक्टर में धरना दे रहे किसानों पर वकीलों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया। पुलिस की मौजूदगी में किसानों की पिटाई की गई। प्रदेश कैबिनेट ने किसानों से गेहूं खरीद नीति को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने किसानों के केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य 1,925 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार वायु प्रदूषण पर 24 घंटों 7 दिन नजर रखने के लिए 8 शहरों में 18 नए मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित करने जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसकी स्थापना को हरी झंडी दे दी है।